हाय एवरीवन, अगर आपने बीटेक कंप्लीट की है या बीई कंप्लीट की है अपनी भाई मैकेनिकल सिविल या किसी भी ब्रांच में, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है भाई। एनपीसीआईएल, आप एनपीसीआईएल को जानते होंगे भाई, ये एक पीएसयू है। इसमें वैकेंसी आई हुई है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें भाई वैकेंसी आई हुई है इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए। इसमें बीई और बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। और भाई मैं एक बात बता देता हूं, अगर देखो जो पीएसयू होती है वो गेट के बेसिस पे अपने यहाँ हायर करती है, अपने यहाँ रिक्रूट करती है, लेकिन भाई इसमें गेट एग्जाम की जरूरी नहीं है कि आपने गेट एग्जाम दिया हो या गेट एग्जाम क्रैक किया हो, ये बिना किसी गेट एग्जाम के आपको हायर करेगी। और दूसरी बात भाई, एक बात और बता देता हूं कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अब कैसे सिलेक्शन होगा वो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। और थर्ड बात ये है भाई, इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप जीरो फीस है इसकी, एप्लीकेशन भर सकते हैं, मतलब इसकी कोई भी फीस नहीं है इसको फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए भाई इस वीडियो को जरूर देखना एंड तक, वीडियो शुरू कर लेते हैं। यार उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों अगर हम यहां पर सबसे पहले ये बात करें कि यार इसके जो फॉर्म है वो कब से भरने शुरू होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो भाई वो 9 जुलाई 2021 से शुरू होंगे। और भाई इसकी जो लास्ट डेट है वो यहां पर आप स्क्रीन पर थोड़ा गलत देख रहे हो, मिसप्रिंट हो चुका है, लेकिन अगर आप इसकी लास्ट डेट देखोगे तो 9 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भाई मैं कुछ नोटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने बताई दिया आपको, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक पीएसयू है। और भाई अगर हम यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो फिक्स्ड टर्म इंजीनियर करके यहाँ पर पोस्ट का नाम है भाई। ये नाम इसलिए है क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 साल के लिए हायर किया जाएगा। लेकिन भाई आप ये सोचिए, आपने बीटेक किया है, बीई किया है, अगर आप किसी भी पीएसयू में जाते हो तो वो आपका, आप वहाँ पर 2 साल भी काम करोगे तो वो आपका एक्सपीरियंस में इंक्लूड हो जाएगा। और आप अगर एक पीएसयू से एक्सपीरियंस लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और भाई इसकी सैलरी भी कम नहीं है। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई, बीटेक और बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करूँ 26 है। और अगर भाई मेन चीज़ जो होती है सैलरी, सैलरी की बात करूँ तो भाई 61,400 पर मंथ है, जो कि काफी सैलरी है अगर आपके इसमें सिलेक्शन हो जाता है। और अगर भाई मैं बात करूं कि कितना एक्सपीरियंस इसमें जरूरत है आपको, तो भाई अगर आप फ्रेशर हो, अभी आपने अपनी बीटेक या बीई कंप्लीट की है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन भाई यहां पर एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि मैंने अभी अपनी बीटेक बीई क्वालिफाई, मतलब अभी मेरा जो फाइनल ईयर चल रहा है, अभी मैंने मतलब पास आउट नहीं हुआ, मेरे पास अभी मार्कशीट नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूं? तो भाई आप नहीं हो, इसमें फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास मार्कशीट है। तो भाई अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर भाई यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, देखो आपकी बीई बीटेक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से की है तो मिनिमम आपके बीटेक के अंदर भाई 60% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। अगर उससे कम होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहीं पर भाई अगर मैं मैकेनिकल वालों के लिए बात कर लूँ तो मैकेनिकल वालों के लिए भी वही क्राइटेरिया है, 60% मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए आपके बीई बीटेक के अंदर। और भाई अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी भाई सेम रहने वाला है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई अगर आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक किसी से भी किया है तो आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद भाई मैं अगर मैं बात करूं सी एंड आई या ईसी वालों के लिए, तो भाई उनका भी 60%, मतलब भाई सी एस ई सी ये जितनी भी ब्रांच है, अगर आपने इन ब्रांचों से बीटेक अपना कंप्लीट किया है तो मिनिमम आपकी 60% होनी चाहिए। अगर भाई यहां पर मैं बात करूं कि एज लिमिट क्या होने वाली है, तो भाई 18 साल से लेकर 35 ईयर मैक्सिमम, मतलब एज का भी इतना इशू नहीं है। अगर आप 35 ईयर्स तक अप्लाई करना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आजकल यार पीएससी में क्या होने लग गया है कि ऐसे बोलते हैं कि 2019, 2020, 2021 में जो पास आउट है वही अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कितना भी टाइम हो गया, अगर आप 35 से आपकी एज कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भाई अगर मैं इसमें वैकेंसी की बात करूं ब्रांच वाइज, तो भाई सिविल इंजीनियर्स के लिए 11 पोस्ट हैं टोटल, और भाई मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 8 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 4 पोस्ट हैं, और भाई यहाँ पर सी एंड आई और ईसी वालों के लिए 2 पोस्ट हैं, और भाई यहाँ पर सीएस वालों के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है। सैलरी भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 61,400 है। अगर भाई मैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रिसीप्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी डिसिप्लिन, द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू कंसीडरिंग द नंबर नेचर ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड फॉर द सेड फिक्स्ड टर्म पोस्ट इन 3 स्टेजेस डिपेंडिंग अपॉन द साइट रिक्वायरमेंट। भाई इसका साफ मतलब ये है कि आप इसमें अप्लाई करोगे, जरूरी नहीं है कि आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, इसमें कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनके जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसके बेसिस पर आपको भाई इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो देन फिर आप इसमें जॉब कर सकते हो। तो भाई ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप अगर 2 साल का यहां से एक्सपीरियंस ले लोगे तो लाइफ में आप बहुत आगे अच्छी कंपनी में भी आप जा सकते हो। भाई पीएसयू तो आपको पता ही है। अगर भाई दूसरी बात यहां पर ये आ जाती है कि हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, तो भाई अभी आप इसे मैं 9 जुलाई से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है? 9 जुलाई से आप अप्लाई करने के, आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। आप डायरेक्ट एनपीसीआईएल करके आप इसकी वेबसाइट पे जाना, जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, और वहां पर एक करियर करके ऑप्शन होता है, वहां पर जाओगे तो वहां पर आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। अगर भाई आपको देखने को नहीं मिले यहां पर 9 जुलाई के बाद, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहां पर डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप जा सकते हो, और जब उस लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो भाई आई होप ये वीडियो आपके लिए यार इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और यार मैं आपसे यही सजेशन करना चाहूंगा कि अगर आपने
बीटेक या बीए भी कंप्लीट किया है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना, क्योंकि इसमें यार कोई फीस नहीं है, जीरो फीस है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं और आप अगर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं आपके लिए यार बहुत फायदेमंद होने वाला है ये। भाई सैलरी भी काफी अच्छी है 61,000। अगर एक नॉर्मल कॉलेज से आपने बीई बीटेक किया तो जरूर आप अप्लाई करना, क्योंकि यार एक नॉर्मल कॉलेज से करने वाले बंदे को 61,000 सैलरी अगर शुरुआत में मिलती है तो बहुत ज्यादा सैलरी होती है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी।